रोलिंग स्टेज पे मैं संगीता भटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। रोलिंग स्टेज आज आपके लिए लेके आया है चटपटे करेले की रेसिपी, भरवा करेले। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी आम का सीजन पर चल रहा है तो आप भी इस तरीके से इस करेले को बना के देखिएगा। एक करेले की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, वो भरवा करेले भी बहुत टेस्टी बनते हैं और ये भरवा करेले उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भरवा करेले की एक रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो करेले की रेसिपी भी बहुत टेस्टी लगती है। अभी आम का सीजन है तो भरवा करेले हम बनाएंगे आम के और प्याज की स्टफिंग के साथ, ये भी बहुत टेस्टी यम्मी लगती है। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। आधा किलो करेले लेके हम उसे छील लेंगे। छीलने के बाद हमने इसमें नमक लगा के और इस तरीके से चीरा लगा के नमक लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद हम इसे धोएंगे। ये प्रोसेस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो भरवा करेले की रेसिपी में जाके इसे देख सकते हैं। 2 घंटे बाद करेले धोने के बाद हम यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि आधा किलो करेले के लिए सफिशेंट है। अभी आम का सीजन चल रहा है तो कच्चे आम, एक आम को लेके आपने उसको पील करना है। पील करके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप कट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे कद्दूकस भी करके डाल सकते हैं। मैंने ली है 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसे मैंने आम के साथ बारीक काट लिया है। तो हम इसकी स्टफिंग पहले तैयार करेंगे। फ्राई पैन में मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। ज़्यादा ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि हमने गैस की फ्लेम को हाई रखना है, लो फ्लेम पे हमने इससे मसाले को नहीं डालना है। तो इसमें जाएगा प्याज, साथ में ही डालेंगे हम अमली और हरी मिर्च, यानी कि कच्चा आम और ग्रीन चिली। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, तो 1 ही चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है। इसमें 5 स्पून के आसपास हम धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी लार्ज रहेगी ताकि हमारे जो करेले हैं वो क्रिस्पी हो जाए। हमने इसे हाई फ्लेम पे भूना है, इसके कारण से प्याज का जो मसाला है वो ड्राई हो गया है। 1 ही मिनट में हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। इस मसाले को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमारा खट्टा और तीखा मसाला तैयार है, अब हम इसे करेले में भरेंगे। इस प्रकार से हमने सारे करेलों को स्टफ कर देना है और हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को गर्म होना रखेंगे। हमने लेना है सिंपल धागा, जो कि मोस्टली घरों में सभी के होता है, और इस तरीके से कुछ धागे हम निकाल लेंगे। इसे हम कट करेंगे। एक एक धागा उठाते जाएंगे और इस पर रैप करेंगे। मैंने सारे करेले भर लिए हैं और उसे धागा लपेट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें हमने सभी करेलों को छोड़ देना है। गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रहेगी। करेले डालने के बाद हमें कढ़ाई में कड़छी नहीं चलानी है, यानी कि इन करेलों को छेड़ना नहीं है। कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से टर्न करेंगे और धीरे धीरे करते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे इन करेलों को कुक करने में। हम इसे क्रिस्पी और डार्क होने तक, पूरा पकने तक पकाएंगे। तो ध्यान यही रखना है कि हमने जल्दी जल्दी इसे नहीं चलाना है। जब एक साइड से कुक हो जाए तब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके टर्न करेंगे।
इसके ऊपर लेड भी हम नहीं लगाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेला पसंद है तभी आप इसको लेड लगा के ढकिएगा, वरना ओपन ही ऐसे ही पकने दीजिएगा। 7-8 मिनट हो गए हैं, एक बार करेलों को टर्न कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसे टर्न करना है। अब हम इसे 5-7 मिनट तक के लिए फिर से छोड़ देंगे। 5-7 मिनट बाद फिर से हम इसे टर्न करेंगे। बस एक बार और हम इसे दूसरी साइड से पूरी तरह से कुक होने तक पका लेंगे और ये हमारे करेले बनके तैयार हो जाएंगे। करेले हमारे पूरी तरह से कुक हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। जब आपने करेलों को सर्व करना हो तब गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसका धागा निकाल देंगे और धागा निकाल के गर्मा गर्म आप इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इन चटपटे करेलों को ज़रूर से बना के एंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।